सो आज तीन सवाल हम ले रहे हैं और ये जितने भी यंगस्टर हैं उनके लिए है। सबसे पहले है निराश। जो यंगस्टर हैं वो बहुत बड़े मात्रा में निराश हो रहे हैं, तो निराश ना हो उसके लिए वो क्या करें? अगर आप निराश हो रहे हैं इसका मतलब कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। अगर आप निराश नहीं होंगे इसका मतलब आपके जीवन में ना कोई गोल है ना कोई विजन है, तो अच्छी बात है। निराश हो रहे हैं जरूरी है। जीवन में बैड टाइम्स आना जरूरी है, जीवन में टेंशन आना जरूरी है, और यंग लाइफ में तो बिल्कुल राइट। बस टेंशन और निराशी गर्लफ्रेंड का ना हो और पैसे का ना हो। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं कि आपके 20 से 28 साल तक पैसों की बातचीत नहीं होनी चाहिए। हमारा कभी कभी दुश्मन, हम जिसके बारे में बहुत चाहते हैं वही हो जाता है पैसा। क्योंकि जैसे ही पैसा आया या पैसे के बारे में सोचना शुरू किए, हम अपने स्किल और वैल्यूज के साथ कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। और मान लो भैया आप 28 साल में पैसा कमा भी लिए, लेकिन 28-30 साल के बाद आपकी शादी होगी, जब आपके पास लाइबिलिटीज आ जाएंगी, ठीक है, तब तो आपके पास सीखने का टाइम भी नहीं होगा। और उसके बाद अगर आपने जीवन भर केवल पैसे कमाने में फोकस किया तो आपकी ग्रोथ बहुत स्लो होगी, क्योंकि आने वाला टाइम केवल स्किल का है। स्किल नहीं तो कुछ भी नहीं। AI देख रहे हो आप कैसे बैठ रहा है, यानी फटाफट हमें केवल सीखना है। तो कोशिश करें कि हम पहले सीखने पर ध्यान दें। और निराश होना जरूरी है, फ्यूचर को लेकर निराश होइए, फ्यूचर को लीजिए कि को लेकर टेंशन में होइए, फालतू मोटिवेट मत होइए, अच्छे लोगों के साथ मत रहिए, सही लोगों के साथ रहिए, पहले तो कम्युनिटी बदलिए। और ज़्यादा निराश होते हैं तो दो कदम पीछे लीजिए, अपने किसी ऐसे दोस्त ऐसे मेंटोर के साथ 24 घंटा व्यतीत करिए जिसके साथ आप मिल के बैठ के खुशी फील करते हैं, प्लेजर फील करते हैं और सीखने का मन करता है। दूसरा सवाल है फियर ऑफ फ्यूचर। बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। दो चीजें यहाँ पे है, हम फ्यूचर मानते किसको हैं और फ्यूचर के लिए हमने सोचा क्या है। फियर जब आता है यानी कि वहां हिडन एक्सपेक्टेशन आ गया। फियर क्या है, डर क्या है? अगर आप जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ हो, आप भगवान को मानते हो, जीवन से कोई उम्मीद नहीं है, तो डर भी तो नहीं है फिर। डर है यानी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि आप बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन कर लिए हो, बहुत बड़ी उम्मीद। जब बड़ी उम्मीद लगा बैठोगे तो डर तो लगेगा। कभी भी फ्यूचर का डर नहीं होना चाहिए, आपको करंट का डर होना चाहिए, आज का डर होना चाहिए। अब आज का डर कोई करता नहीं। ये बताओ मैं पतला होना चाहता हूं, ठीक है, और मैं डरा हुआ हूं कि मैं पतला हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, और जिम करने जा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं एक महीने में कितना पतला होऊंगा। अरे मुझे तो ये सोचना चाहिए कि आज का टास्क मैंने पूरा किया कि नहीं, आज ट्रेनर ने जो बोला वो मैंने ईमानदारी से किया या नहीं। हम क्यों आउटकम की बात करते हैं, क्यों फ्यूचर की बात करते हैं? फियर मतलब एक्सपेक्टेशन। आप पहले तो अपने एक्सपेक्टेशन को कम करिए या जीरो करिए, करंट में काम करिए, फ्यूचर की प्लानिंग बिना सीखे बहुत जल्दबाजी मत करिए। विजन क्लियर रखिए, विजनरी होना जरूरी है, लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्ट मत करिए। हो सकता है जो फ्यूचर आप देख रहे हैं या सोच रहे हैं उससे ज्यादा के लिए आप बने हो, लेकिन आपने अपने अनुभव से फ्यूचर डिजाइन किया है और वो नहीं पाएंगे वही आपको डर है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ करंट पे काम कर रहे हैं और करंट को जी रहे हैं, फ्यूचर आपका बहुत उम्दा होने वाला है। हर दिन को ट्रैक करिए, हर दिन आप ये देखिए कि आपने क्या सीखा है, आज आपने क्या लॉस किया है और आपने कितने बैड हैबिट्स पे आज आपने काम किया है, ठीक है। टॉपिक 3, फियर कुछ नहीं होता, हिडन में एक्सपेक्टेशन खड़ा है वही फियर है। आज ही अपने फ्यूचर से केवल एक्सपेक्टेशन को हटा दो, देखो फियर है ही नहीं, केवल काम ही काम। जैसे मेरे लिए कोई डर नहीं है क्योंकि मेरा कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, क्योंकि मैं आज के लिए बना हूं, आज काम करता हूं, कल की परवाह नहीं करता। लेकिन अगर मैं ओवरलोड ले लूं अपने दिमाग पे कि यार महीने मुझे ना 10 करोड़ काम करना है, ठीक है, उसी हिसाब से हमने लाइबिलिटीज पाल लिए, तो फियर तो रहेगा ना।
फियर होने से क्या है, ना हम पर्सनल लाइफ जी पाते हैं, ना हम प्रोफेशनल लाइफ जी पाते हैं, ना तो खुश रह पाते हैं, हंसना भूल जाते हैं। तो करंट को आप एक नोटबुक लो, उसमें 8 घंटे 10 घंटे जितना घंटा आप काम करते हैं, ट्रैक तो करो कि आज हमने क्या नया सीखा। जब हम कुछ सीख ही नहीं रहे हैं तो फ्यूचर कैसे अच्छा होगा। तीसरा पॉइंट है कैरियर। अब यंगस्टर कैरियर कैसे चूज करें, राइट? सो कैरियर के लिए आप सबसे पहले ट्रेडिशनल पढ़ाई को साइड में रखिए। ट्रेडिशनल मतलब आप बीए कर रहे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, आप करिए उसको, प्राइवेट से करिए, लेकिन कोई स्किल कोर्स जरूर सीखिए, आज के जमाने का कोर्स। अब आप सोचो, आपका पूरा टाइम आपके फोन के साथ जाता है, आप वीडियो देख रहे हैं, आप इमेज देख रहे हैं, आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, आपकी दुनिया इंटरनेट हो चुकी है, 8 घंटा आप हैं, यानी आप स्क्रॉल करके किसी को आगे बढ़ा रहे हैं और खुद सीख के आप स्क्रॉल का पार्ट नहीं होना चाहते। 360 मार्केट जहां जा रही है उस स्किल को हमें एडॉप्ट करना चाहिए और अपने को नंबर वन नहीं बनाना चाहिए, ओनली वन बनाना चाहिए। एक स्किल सीखो लेकिन उसके माहिर बन जाओ, फिर कोई और ना हो, ठीक है? सो कैरियर आज का टाइम में कुछ और है, आपको स्किल एडॉप्ट करना पड़ेगा जो आज के जमाने के स्किल की डिमांड है, जो 21वीं शताब्दी की स्किल है। बाकी आप ग्रेजुएशन करते रहो, पढ़ाई करते रहो, मैटर नहीं करता, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम में बहुत कमियां हैं, क्योंकि बहुत पुराने किसी ने, अब मान लो जिसने डिजाइन किया होगा उस वक्त का पैटर्न कुछ और रहता होगा, लेकिन आज का पैटर्न चेंज हो चुका है, राइट? सो कैरियर प्लानिंग सोच करें, कोशिश करें, एक स्किल कोर्स आप जरूर सीखें, कोई भी हो स्किल कोर्स हो वो। पॉइंट नंबर 4, कर्मा क्या है? चलो, जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये मेरा कर्मा है, राइट? और मैं यहां पे खड़ा हूं, कर्मा वेट कर रहा है मेरा कि भैया आए और फिर मैं इनके जीवन में आ जाऊं। लेकिन भैया क्या कर रहे हैं कि वहीं खड़े होके कर्मा 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 कर रहे हैं। फिजिक्स वाला के ऊपर एक वेब सीरीज बनी है, उसका एक स्टोरी बताता हूं, कर्मा कैसे कनेक्ट होता है। जब फिजिक्स वाले के जीवन में सब कुछ लगभग खत्म हो जाता है तो वो अचानक उठ के पहाड़ों पे चले जाते हैं। पहाड़ों पे गए बैग लेके और गलती से बैग गिर कहां जाता है, खाई में, यानी पहाड़ के नीचे, और वो किसी और की गलती से गिरता है और उसमें बहस होती है। उतने में 2-3 फॉरेनर आते हैं, बोलते हैं क्या हुआ, बोले मेरा बैग गिरा, बैग में पैसे थे, मेरा सब कुछ था, मैं कहां जाऊं, कैसे रहूं। फॉरेनर बोलते हैं कोई बात नहीं, आप मेरे साथ कुछ दिन रहो। अब देखो वो आए किस लिए थे, अब चले गए फॉरेनर के पास और वहां रहना शुरू कर दिया। वहां वो देख रहे हैं ये फॉरेनर मस्ती कर रहे हैं, जिंदगी को जी रहे हैं, और उनसे पूछा आप करते क्या हो, तो वहां एक लेडी थी, वो ये बोलती कि मैं अपने कंट्री की वन ऑफ द टॉप एंटरप्रेन्योर हूं। उसने कहा सब कुछ छोड़ के आप यहां पे? उसने कहा वाई के तलाश में। वहां पे उनको वाई का पता चलता है, जीवन का महत्व पता चलता है, ठीक है? अब सोचो अगर वो बैग नहीं गिरा होता तब क्या फॉरेनर के साथ जाता? नहीं। इसीलिए जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे दुख, चाहे परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, आप समझो कुछ पॉजिटिव साइन है, स्टे पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, समझो कर्मा का ही पार्ट है। भाई मैं अभी जा रहा हूं, बाइक का एक्सीडेंट हो गया, तो आप टेंशन मत लो, हो सकता है आगे इससे बड़ा एक्सीडेंट लिखा हो, मुझे अभी छोटे एक्सीडेंट में सिखा दिया। सो कर्मा के बारे में सोचो मत, करंट को जियो। हो सकता है जिस डेस्टिनेशन पे कर्मा लिखा हो वहां तक हम पहुंच ही नहीं रहे हो, राइट? तो आज आज के बारे में जियो आप। कर्मा और मत सब फ्यूचर प्लानिंग है, सो फ्यूचर पे नहीं, करंट पे आज की बात करो, आज सीखो, आज वैलिडेट करो, आज खुश रहो। कल क्या होगा, आज आपने जिस तरीके से अपना डे व्यतीत किया वैसे ही आपका कल होने वाला है। अगर आज आप बुराई में व्यतीत कर रहे हो तो कल आपका बुरा होने वाला है, सीखने में व्यतीत कर रहे हो तो सही होने वाला है, हेल्प करने में कर रहे हो तो आपके साथ हेल्प होने वाला है।
सो कर्मा रिफ्लेक्शन है आपके करेंट का। आप समझो आज से कर्मा रिफ्लेक्शन आपके करेंट एफर्ट्स का रिफ्लेक्शन है। तो आज जो करोगे वही आप पाओगे। कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है, कुछ भी जीवन में शॉर्टकट यू ही नहीं आ जाएगा। लक एंड अपॉर्चुनिटी दोनों चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। लक एग्जिस्ट ही नहीं करता, लक नहीं एग्जिस्ट करता, वो डेस्टिनेशन है। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं और मैं अच्छा काम करने लगा, तो कमजोर लोग उसको लक बोलते हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने मेहनत किया है उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। लक जहां होगा वहां आपको मिल कहीं और पहुंचा देगा, ठीक है। लक आप समझो वो सांप सीढ़ी के सीढ़ी की तरह है। तो जीवन में कई बार आपको सांप काटेगा, नीचे जाओगे और आप ढूंढते रहो कब सीढ़ी मिले और ऊपर, उसको लक के बजाय आप अपॉर्चुनिटी समझोगे ज्यादा सही होगा। अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है? निरंतर करते रहने से। अपॉर्चुनिटी कभी कभी हमें मौका देती है बट हम लाइमलाइट के दुनिया में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब डेली करते रहो, डेली आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, लक एग्जिस्ट नहीं करता। सिक्स टॉपिक है स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी। आज के टाइम का ये आम हिस्सा है, यानी आप तनाव को जेब में लेके घूम रहे हैं। तनाव को दूर करने के लिए रियल दुनिया में कूदना पड़ेगा, अनरियलिस्टिक दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे अनरियलिस्टिक दुनिया क्या है? सक्सेस कब मिलेगी, पैसा कब मिलेगा, घर कब होगा, शादी कब होगी, ये कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में आज है। जितने भी टॉपिक है ना, सबका जवाब आज में है। अगर आज हम भरपूर जी रहे हैं और आज के लिए हम ऊपर वाले को थैंक यू बोल रहे हैं तो ना तो हम स्ट्रेस में आएंगे। स्ट्रेस टेंशन मतलब हिडन एक्सपेक्टेशन, एक ऐसा एक्सपेक्टेशन कि पूछो मत। कभी ऋषि मुनि मॉन्क ऑथर या स्पीकर के पास स्ट्रेस नहीं होता क्योंकि वो सब कुछ त्याग चुके होते हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्या करिए, डेली पहले एक घंटा मंदिर जाना शुरू करिए डेली, जिस भी आप धर्म से हैं, और वहां फोन बंद करके केवल मोमेंट को फील करिए डेली। आप देखेंगे आपके जीवन से स्ट्रेस गायब हो गया। दूसरा क्या करिए, आप अपने दोस्तों के साथ कोई गेम खेलिए, आधे घंटे एक घंटे कुछ भी, उस वक्त भी आपका फोन दूर हो, राइट। और टेलीविजन पे कुछ ऐसी चीजें देखें जो आपको गुदगुदाती हो, ठीक है। इससे भी स्ट्रेस अगर दूर नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप कंप्लीटली एक नकली दुनिया में ट्रेवल कर रहे हो। तो आपको नकली दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप अनरियलिस्टिक दुनिया में होते हो तो आपके जीवन में कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, हर कोई आपको बुरा लगने लगता है, हर कोई आपको षड्यंत्रकारी लगने लगता है, सब में कमियां नजर आने लगती हैं। तो आज को बेहतर करिए, एंग्जाइटी और टेंशन के शिकार आप कभी नहीं होंगे। सबका जवाब है आज, नाउ। मेरे कंट्रोल में अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, केवल यही कंट्रोल है। लेकिन मैं आज वीडियो बना रहा हूं और मैं कल के प्लानिंग के बारे में अगर अभी सोचूं तो मैं आज बर्बाद कर रहा हूं, और आज के रिजल्ट से या आज के एफर्ट से जो कल मुझे मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही नहीं फिर। तो बहुत बड़ी बात है, आज को सुधारो। कल आपके कंट्रोल में नहीं है, कल उतना ही खूबसूरत है जितना आपने आज बिताया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिए, और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप उस पर बताइए। धन्यवाद।